हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा अजय देवगन की फिल्म शिवाय के बारे में। हाल ही में अजय देवगन ने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया एक लीडिंग न्यूज़पेपर को, और कहीं ना कहीं अजय देवगन ने वहां पर शिवाय मूवी की अपनी पूरी जर्नी बताई, यानी कि पूरा किस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी और किस तरह शूटिंग हुई और किस तरह अब जो फिल्म की फाइनल कॉपी बन गई है। तो आप भी मुझे पता है जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद एक्साइटेड था कि किस तरह से ये फिल्म की शूटिंग की है, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म है अजय देवगन की कैरियर की ये, और ये डायरेक्टोरियल फिल्म भी है उनकी दूसरी। तो अब चलिए बताता हूँ आपको स्टार्टिंग से। फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 से 3 साल पहले कहीं ना कहीं खबर सुनने में आने लगी थी कि अजय देवगन शिवाय फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा खासा फिर सुनाई नहीं दिया। करीबन करीबन 1 साल तक कुछ और सुनाई नहीं दिया, 2014 से 2015 तक। 2015 में फिर लगा कि हाँ, अब शूटिंग चालू होने वाली है और शूटिंग बल्गेरिया में होगी। तब कहीं ना कहीं पोस्टर रिलीज हुआ था, तो हमें ऐसा लगा कि यार पोस्टर नहीं, एक सिर्फ उनका लुक रिलीज हुआ था, तो बहुत एक्साइटमेंट हुआ था कि किस तरह से एक रोल रहेगा अजय देवगन का इस फिल्म में। उसके बाद जैसे ही इस साल ट्रेलर रिलीज हुआ तो हम एकदम शॉक हो गए, क्योंकि हमने इतना इंटेंस, इतना अनोखा और इतना एक्शन से भरपूर ट्रेलर बॉलीवुड में शायद ही कभी देखा होगा। ट्रेलर बहुत पसंद आया लोगों को, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं लोग एकदम क्रेजी हो गए, जानने की कोशिश में जुड़ गए आखिर क्या था, क्या उन्होंने देखा और कितना मुश्किल था और किस तरह से डायरेक्टर ने बनाया, यानी कि अजय देवगन ने। तो आपको बता दो, अजय देवगन की काफी ज्यादा मेहनत है इसके पीछे। अजय देवगन ने जो अपने जो टीम थी उनकी, जो एक कोर टीम है, आपको बता दो अजय देवगन अपनी जो टीम है, जैसे कैमरामैन है, एडिटर है, मोस्टली जो टीम होती है, जो कोर टीम होती है जो फिल्म बनाती है, उसे चेंज नहीं करते हैं। अजय देवगन का मानना है कि वही लोग रहेंगे जो मेरे साथ हमेशा से रहे हैं। तो उनकी कोर टीम को जब उन्होंने कहा कि हमें शूटिंग करनी है इस फिल्म की शिवाय की बल्गेरिया में, तो सब एकदम शॉक हो गए, सबने मतलब कैसे होगा, पॉसिबल कैसे होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं एक और सवाल उठा बजट का। जी हाँ, फिल्म का बजट जिस हिसाब से शूटिंग हुई है या जिस जगह पे शूटिंग हुई है, वहां पे शूटिंग करना बिल्कुल आसान नहीं है। 5 मिनट वहां ठंडे पे अगर ठंडा आपको लग गया तो आपका हाइपोथर्मिया होगा, आप कुछ ही घंटों में मर जाएंगे। मतलब इस तरह के माहौल में बल्गेरिया जैसे बर्फीले जगह पे शूटिंग करना आसान काम नहीं था, और बहुत जगह ऐसी भी थी जहां पे रास्ता नहीं जा सकता, मतलब जहां के रास्ते नहीं थे वहां पे सिर्फ हेलीकॉप्टर से पहुंचा जाता था, वहां पे भी शूटिंग की गई है शिवाय की। तो कहीं ना कहीं जो कास्ट था स्टार्टिंग में, जो क्रू थे, वो कहीं ना कहीं एक शॉक में थे, इनकार जैसा कर रहे थे। मतलब मुश्किल सीधी सी बात है, कुछ बड़ा जब आप करने जाओ तो कहीं ना कहीं बहुत सारी मुश्किलें होती, तो एक बजट का बहुत इशू था, दूसरा कास्ट रेडी नहीं था, उनका जो क्रू मेंबर थे तैयार नहीं थे। बट कहीं ना कहीं अजय देवगन ने कहा कि मुझे ये करना है, किसी हाल में भी करना है, बजट चाहे कम हो, हमें मेहनत करनी है, हमें कुछ अनोखा, कुछ नया देना है, क्योंकि हॉलीवुड सिनेमा जिस तरह से अपने दर्शकों को देता है, वैसे हम क्यों नहीं देते, हम क्यों उन लेवल का, उनके लेवल का एक्शन, उनके लेवल का जो भी एक ड्रामा क्यों नहीं हम क्रिएट करते, हमें क्या कमी, हम तो उनसे दुगना मेहनत भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अजय देवगन का थॉट प्रोसेस था और अजय देवगन ने शूटिंग चालू की। कहीं ना कहीं फिर सवाल जब उठा इंटरव्यू में कि आपने न्यू कमर्स को, 2 न्यू कमर्स को क्यों लिया, यानी कि शायसा सैगल और दूसरी न्यू कमर है एरिका काजो, की पोलैंड की टीवी एक्ट्रेस है, इतनी फेमस थी नहीं अब लेकिन हो गई होंगी, तो उनको क्यों लिया। तो एरिका कार के बारे में, जो पोलैंड की एक्ट्रेस है, उनके बारे में बताया कि मैंने 1 साल तक पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड ढूंढा एक कैरेक्टर के बारे में जो यंग हो और उस तरह का रोल कर सके मेरी फिल्म में, एक इमोशनल और इम्पैक्टिव रोल। तो जो कैरेक्टर है एरिका कार का, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस फिल्म में। अब बात आती है शायसा सहगल की, तो शायसा सहगल के बारे में भी उन्होंने सेम चीज कहा कि टैलेंटेड है, यंग मतलब बंदी है। जिसको नहीं पता शायसा सहगल के बारे में, आपको बता दो शायसा सहगल जो ग्रेट लीजेंड हमारे एक्टर है दिलीप कुमार और शायरा बानो, उनकी बेटी है, सॉरी उनकी बेटी नहीं, सॉरी उनकी नीस है शायसा सहगल, और एक उभरती हुई कलाकार है, आई थिंक तमिल या तेलुगु में उन्हें 1-2 फिल्म कर ली है, तो उनकी पहली फिल्म होगी बॉलीवुड में शायसा सहगल के लिए, इससे बड़ा ब्रेक शायद ही कुछ होगा। और उसके बाद जब सवाल पूछा गया कि यार आप एज ए लीड आप ही हो फिल्म में, मेन आपके ऊपर ही सबसे ज्यादा बोझ है, आप ही एक मेन हो, क्योंकि आपसे बड़ा स्टार इस फिल्म में कोई नहीं है शिवाय में, तो आपको कितना प्रेशर है, कितना वो है,
टेंशन है। तो इस पे अजय देवगन ने कहा कि देखो फिल्म चाहे जो भी हो, चाहे नए स्टार कास्ट हो, पुराने स्टार कास्ट हो, फिल्म हर एक एक्टर अगर अपनी जो उनका कैरेक्टर है वो एक कन्विक्शन से करे, एक अच्छे से करे, तो ऑडियंस जरूर कनेक्ट होगी, और ऑडियंस अगर कनेक्ट होगी और इमोशन से जुड़ जाएगी तो फिल्म जरूर सक्सेसफुल होगी। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि अजय देवगन बहुत कॉन्फिडेंट इस फिल्म के लिए। वहीं अजय देवगन ने कुछ पर्सनल एंगल भी बताया इस फिल्म का, मतलब सही बात है, पर्सनली बहुत इन्वॉल्व है अजय देवगन इस फिल्म से। अजय देवगन ने इस फिल्म में बताया कि ये फिल्म एक्शन की जरूर है, बट कहीं ना कहीं इसका जो मेन इमोशंस है वो फादर और डॉटर के रिलेशनशिप को दिखाना, यानी कि बाप बेटी के रिलेशनशिप के ऊपर है काफी ज्यादा ये फिल्म है, और बहुत एक इमोशनल टच है इस फिल्म में। ये फिल्म में मैं अपने जो इमोशंस हैं मेरे मेरे बच्चों के लिए, जो युग और नायशा है वो, उनके लिए जो मेरा इमोशंस है वो फिल्म के जरिए मैंने दिखाया है। और एक और रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जब अजय देवगन शूटिंग कर रहे थे तो कुछ शायद ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे, हाइपोथर्मिया हो गया था उन्हें। उसके बाद अजय देवगन की फैमिली, काजल काजोल और उनके बच्चे, काजोल ने बहुत सुनाया उनको, चिल्लाया कि यार ये कैसे कर रहे हैं आप, इतने कैसे रिस्की चीज, मतलब इतने रिस्की चीजें क्यों कर रहे हैं, अपने बच्चों का सोचिए, सब सोचिए। तो अजय देवगन ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं अपना ख्याल रख के कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अजय देवगन बहुत डेडिकेटेड थे इस फिल्म के लिए, और शायद इसलिए ही ये फिल्म इतनी प्यारी और इतनी अच्छी बन चुकी है ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं फाइनल कॉपी रिलीज हो गई, मतलब जो फाइनल कट होता है फिल्म का रिलीज होने से पहले वो रिलीज हो गया है, मतलब वो एक क्लियर हो गया है। और जब अजय देवगन ने देखा तो अजय देवगन को एकदम शांति मिली, यार बहुत सही फिल्म बनी, मतलब अच्छा लगा उन्हें। और जो क्रू मेंबर जो पहले मना कर रहे थे यार कैसी होगी फिल्म, क्या होगी, उन्हें भी बहुत अच्छी लगी ये फिल्म। तो ओवरऑल सभी एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर। फिल्म रिलीज हो रही है अक्टूबर 28 को, तो बहुत ज्यादा एक एक्सपेक्टेशन हमें इस फिल्म से, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेटेड फिल्म है। और जब से हमने ट्रेलर देखा है भाई, हम तो दीवाने हो गए इस फिल्म के, गाने भी बहुत अच्छे हैं, और ओवरऑल फिल्म आई थिंक अच्छी साबित होगी। और वी होप कि ये फिल्म अच्छी चले, अक्टूबर 28 को रिलीज हो रही है। इसके अलावा फिल्म में जो और एक्टर्स, जो इसका नाम मैंने नहीं लिया, सौरभ शुक्ला है, वीर दास है, तो फिल्म में बहुत सारी नई चीजें जरूर होंगी। एक्शन के मामले में फिल्म जबरदस्त होगी, क्योंकि वन टेक एक्शन से बहुत सारे सीन्स आप ट्रेलर में देखोगे तो वन टेक है, वन टेक सीन लेना बहुत मुश्किल होता है, तो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्शन का लेवल बहुत ऊपर किया है और स्टंट्स का लेवल बहुत ऊपर किया है, वो मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी इस फिल्म को लेकर। तो जैसे ही फिल्म रिलीज होगी उसके रिव्यूज वगैरह मैं जरूर बताऊंगा, पर फिलहाल इस फिल्म से जुड़ी हुई है छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता रहूंगा। और मेरे ख्याल से आपको भी ये सुन के अच्छा लगा होगा कि अजय देवगन कितनी ज्यादा मेहनत कर चुके हैं इस फिल्म के लिए, और अजय देवगन भी चाहेंगे कि ये फिल्म अच्छे से रिलीज हो। चलिए कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चली तो आपको जरूर बताऊंगा, तब तक के लिए बाय।